वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज तुहाडे नाल बाबा गुरबचन सिंह जी मानोचाल जी के जीवन का भाग तीजा तुहाडे नाल सांझा करांगे। तुहानू दस दईए कि बाबा मानोचाल जी चोण मैदान दे विच पा वोटां दे विच भी खलोए सन। दसिया जाता है कि सन 1992 विच बेशक चोणां ऐन मौके ते ही मुलतवी कर दित्तियां गईयां, पर यह तय सी कि जेकर चोणां मुलतवी ना हुंदियां तां बाबा मानोचाल दी हिमायत प्राप्त उम्मीदवार बड़े फर्क के नाल जित हासिल करते। फिर जदों 1992 सिखां नूं चोण बाईकाट लई मजबूर करके पंजाब चोणां करवाउण दा ऐलान किया गया तां बाबा मानोचाल ने इन्हां चोणां विच वी हिस्सा लैण लई फैडरेशन दे राहीं चोणां लड़न दा फैसला किया। लुधियाणे दी पंथ कमेटी मीटिंग जिस दे विच चोणां लड़न जां बाईकाट जां दा फैसला आउणा सी वी शामिल होण लई फैडरेशन दे नुमाइंदियां नूं तोरदे होए बाबा मानोचाल ने उन्हां नूं पक्की कीती भावें सारा पंथ चोणां दे बाईकाट दा फैसला कर लवे पर तुसीं उत्थे इह कह के आउणा कि असीं चोणां लड़नियां ने, बाकी मेरी जिम्मेवारी। पर मंदे भागां नूं फैडरेशन ने यह नुमाइंदे उत्थे बाकी पंथक धिरां दे दबा के चुक के चोण बाईकाट दे फैसले ते मोड़ लाए। जदों उह इस विषयों तरन तारण दे कोल जा के बाबा जी नूं मिले तां बाबा जी बहुत दुखी होए, कहण लगे तुहानूं नहीं पता कि तुसीं कौम दा किन्ना वड्डा नुकसान कर रहे हो, असीं मारे जावांगे, तुसीं ताड़े जेलां दे विच जाओगे ते कौम रुड़ जाएगी, तुसीं संघर्ष नूं कई वरे पिछां लिजा सुट्टिया। इस विषयों बाबा जी ने अपने खास सिंघां अंदर यह भविखबाणी भी की कि हुण कौम उपर एक भयानक कहर टुटन वाला है, जे इस दा टाकरा करन लई पहलां तों ही तैयारी शुरू कर देनी चाहीदी है। उन्होंने यह भी कह दिता कि जिहड़े लोग अज सानूं अपने घरां च चरण पाउण लई बेनतियां करदे ने इन्होंने साडे बूहे खड़काउण ते भी बूहे नहीं खोलणे, पर सानूं घबराउणा नहीं चाहीदा। ब्यांते दी सरकार बनन तों बाद आम लोकां ते भी आरंभ होए पुलिस वालियां दे जबर तों बाद बाबा जी दीआं इह गल्लां अखर अखर साथ साबत हो गईआं। पर इस दौर विच भी बाबा मानोचाल मनोविग्यानक ढंग दे नाल दुश्मन नूं ललकारदे ते लुकण विच ही खेडदे सिख मनां अंदर चढ़दी कला दी जोत नूं जगदी रखण लई जतनशील रहे। सो फिर यह समां आया कि बाबा मानोचाल दे नज़दीकी सिंघ एक एक करके शहीद हो गए। बाबा मानोचाल नूं फड़न जां मारन लई इको समय 52 थावां ते छापे पैण लगे। इन्हां लोकां दी बाबा मानोचाल नाल माड़ी मोटी जाण पछाण ते बोलचाल दी सूई मिलदी सी, जिन्हां दे नाल उस पूरे परिवार नूं फड़ के थाने लिजा के छलियां वांग कुट्टिया जाण लगा ते उन्हां नूं बाबे बारे ना दसण दी सूरत विच उन्हां दे बच्चे मार देण दी धमकी ते दस देण ते बच्चियां नूं वधिया नौकरियां दे लालच वी दित्ते जाण लगे। सरकारी कहर तों बच के इधर उधर होण वाले बाबे मानोचाल दे जाणू लोकां दे घर ढा दिते गए ते खेत वाह दिते गए। पर इस दौर विच वी हनेरियां रातां विच हथियार चुकी पिंडों पिंडी पैदल तुरदा बाबा मानोचाल खुद चढ़दी कला च विचरदा सिखां नूं चढ़दी कला च रखण लई जतनशील रहा। बाबा मानोचाल ने इन्हां जतनां तों खौफजदा हो के सरकार ने अखबारां विच जुआरूआं दे बयान छापे जाण ते पाबंदी ला दित्ती। तां बाबा मानोचाल ने आडियो कैसटां विच अपणियां चढ़दी कला वालियां तकरीरां रिकॉर्ड करके उस नूं अगों सिखां तक पहुँचाउण दा नवां रस्ता लभ लिया सी। अजिही एक कैसट विच बाबा जी ने भाई सुखदेव सिंह बब्बर दी शहीदी तों बाद उन्हां विरुद्ध दूजा विआह करवाउण वाले कीते जा रहे पंडी प्रचार दा चंगियां बखियां उदेड़ियां सन। बब्बरां नाल बेशक बाबा जी दे चोण बाईकाट दे मुद्दे ते गंभीर मतभेद सन, पर इस नाजुक मसले ते बाबा जी दा भाई सुखदेव सिंह बब्बर दे हक विच नितर आउण नाल बब्बरां विच भी आपदा सत्कार वधिया ते एक बार बाबा मानोचाल दी अगवाई च एकता दी गल तुर पई। पर इसे तरह एक होर आडियो कैसट राहीं सिखां तक भेजी अपनी तकरीर राहीं आपने KPS गिल दी उस वार्निंग दा चंगा माहौल उड़ाया, जिस विच उसने कहा सी कि मानोचाल नूं भी हुण मौका संभाल के आत्म समर्पण कर देना चाहीदा है ते भंग दे पाड़े अपनी जान नहीं गवाउणी चाहीदी। गिल दी इस गल दा जवाब आपने इन्हां शब्दां राहीं दित्ता, KPS गिल कौण हुंदा है, मैनूं इन्नी गल कहण वाला, इह तां पालतू डोगा, मैनूं पेशकश करे नरसिम्हा राओ प्रधानमंत्री ते मैं चैलेंज करदा कि सारे अपने नाल अपनी सिक्योरिटी गार्ड लै के आउण, मेरे नाल टाइम मिथ लैण, फिर पता लग जाऊ कि कौण किहदे चों सरेंडर हाथ खड़े करवाउंदा। आपने मनुखी बंब तैयार करन दी गल भी कीती, आप मनोविग्यानिक ढंग नाल अपने सहयोगियों नूं चढ़दी कला विच रखण लई अपने हर उस सहयोगी दे घर तक संपर्क करके सारी जानकारी लेंदे रहे, जिस ते आप दे सहयोगी होण कारण पुलिस दा कहर टुट पिया सी। उधरों आप उपर मनोविग्यानिक दबाव बनाउण लई पंजाब पुलिस ते कानून ने सारे हद बन्ने टप्पदिआं आप दे परिवार उपर फिर कहर बरदा दिता।
बाबा जी का परिवार भावें पुलिस जबर कारण करके छड़ के आसे पासे रह रहा सी, पर पंजाब पुलिस के हाथ आपदे परिवार का जिहड़ा भी जी आ गया उसनू मार के खवा दिता गया। आपदे भरा नरवैर सिंह ते अथात शादर करके फिर झूठा पुलिस मुकाबला बना के उन्होंने मार मुकाया गया ते आपदे बापू आत्मा सिंह नू चक के लापता कर दिता गया सी। बाबा मानूचाल की माता नू आपदी भैण दे घरों अमृतसर गिरफ्तार करके लापता कर दिता गया। इन्हां दोहां दी अजे तक ओग सोग नहीं निकली। बाबा जी का लड़का हरविंदर सिंह भी उसे भैण दे घरों घर रहिंदा सी ते पुलिस का छापा पैण समय स्कूल गया होण करके बच गया। उस बच्चे नू काबू करने लई पुलिस ने आपदी भैण नू करंट ला ला के आदमरी कर दिता। हरविंदर सिंह नू ना फड़ाउण दी सूरत विच उसदे लड़के नू मार देण दी धमकी दित्ती गई ते हरविंदर नू फड़ा देण दी सूरत विच उसदे लड़के नू नौकरी देण दा लालच दिता गया। पर पुरातन सिंघणियां दी मिसाल कायम करदिआं बाबा जी दी भैण परमजीत कौर ने 12 साल दे मासूम हरविंदर नू इन्हां कसाईयां दे हवाले ना कीता, नहीं तां उस नू भी बाबा मानूचाल दे माता पिता वांग ही किते खफा दिता जांदा। इस कहर परे दौर विच कई सुहिरद साथियां ने बाबा मानूचाल नू कुछ समय लई इलाका छड्ड जाण लई बेनती कीती। उस वेले बाबे लई इलाका छड्ड के सुरक्षित थां ते चले जाणा कोई मुश्किल नहीं सी, पर बाबा मानूचाल ने कहा इस वेले इलाका छड्ड के जावांगे तां जां बोझल अखवावांगे ते जां फिर गदार, सो मैं हुण मैदान दे विच रहना है। फिर एक दिन आपदा नज़दीकी साथी पुलिस दे टेटे चढ़ गया। जदों तरीक 27 फरवरी 1993 वाले दिन बाबा मानूचाल पिंड वागड़ियां विखे एक बैग विचले पठियां वाली खोली हेठ बने एक बांकर दे विच रह रहा सी तां उत्थे पुलिस दा छापा पिया। पुलिस दे बांकर वाल वधन दा अंदाजा ला के बाबे मानूचाल ने एकदम बांकर चों बाहर निकल के फायर खोल दिता ते पुलिस विच भाजड़ पै गई। बाबे ने ललकार के कहा कि जेकर मैं चाहुंदा तां तुहाडे इत्थे ही खाण ला सकदा सी, पर मैं परिवार नू बचाया। सो इस तों बाद बाबा मानूचाल उत्थों बच निकले ते सारे तरन तारण जिले की पुलिस बाबे दा पिछा करन ते राह रोकण लई हरकत बचा गई। बाबा मानूचाल अगले दिन हाथ विच एक AK-47 लैके रटोल पिंड अपने उसे साथी दे सहुरे घर पहुँचिया जो पुलिस दे टेटे चढ़िया होया सी। उस परिवार नू पुलिस ने एक चिट्टे रंग दा पाउडर दिता सी ते हदायत कीती सी कि बाबा मानूचाल दे आउण दी सूरत विच इह चिट्टे रंग दा पाउडर उस नू दुध दे विच मिला के दे देना है ते उसने बेहोश हो जाना है ते पुलिस नू तुसीं उस समय फिर खबर कर दिओ। अजिहा ना करन दी सूरत विच उहनां दे जवाई ते उहनां दे सारे परिवार नू मार देण दी पुलिस दे वल्लों धमकी दित्ती गई सी। उस परिवार ने विश्वासघात करके बाबा मानूचाल नू दुध दे विच ओह पाउडर घोल के दे दिता ते फिर थाने खबर कर दित्ती। बाबा मानूचाल ते जदों बेसुरती हावी होण लगी तां उह हथियार संभाल के घरों निकल तुरिया, पर हुण तक पुलिस ते फौज दे कड़क पिंड अपड़ चुके सन। बाबा मानूचाल ने मुकाबला करन दा यतन कीता पर अखीर शरीर ते हावी हो रही बेसुरती कारण जिउंदे पुलिस दे हाथ आ जाण नालों अपने आप नू गोली मार लई ते शहादत दा पिरम प्याला पी लिया सी बाबा जी ने। पंजाब पुलिस ते फौज दे बुचड़ां दी बाबा मानूचाल दे बेजान शरीर नू हिला के शहादत दी पुष्टि करन दी हिम्मत नहीं सी पै रही। अखीर पिंड दे विचों एक छोटे जिहे बच्चे नू भेज के बाबे दे हथियार चुकाए गए ते हिलाज लो जला के तसली कीती गई। पुष्टि हो जाण उपरंत हवाई फैर करके खुशी मनाई गई। थाणियां विच जशन मनाए गए ते चांगियां पाईयां गईयां। जंगलां दे शेरां तों खाली होण जाण दे भरम विच चांगड़ां पारे बग्याड़ नहीं सी जाणदे कि शहीद हो के बब्बर शेरां दी विचारधारा खात्म नहीं हुई, सगों खुशबू बन के चार छफेरे फैल गई है। सो इस तरह बाबा मानूचाल जी ने इस फानी संसार नू अलविदा कहा ते शहादत दा जाम पीता सी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।